पांच साल हो गए, पहले महीने तो लेके अखीरले महीने तक एको ही है कि असी अकाली दल नू बेनकाब करांगे, अकाली दल नू ऐ नहीं कहंदे कि दोषियों नू फड़ांगे, कल्ला अकाली दल अकाली दल अकाली दल कि बार बार तुसी कांग्रेस नू वोट पाई जाने हो पाई जाने हो पाई जाने हो जिन्हें सारा कुछ किया है, तो फिर तुसी कहने हो कि इंसाफ मिले, कौन दूगा थोनू इंसाफ। उदो कहंदे सी बड़े असी सिक्खी की लड़ाई लड़ रहे हैं मंड साहब ते दादूवाल, हूँ हूँ किधर है कितने बोले है नहीं, फिर उन्होंने निशाना ही उदो ही सी कि उदो अकाली दल की पंथ की सरकार सी कि उदो बदनाम करना, क्योंकि उन्होंने निशाना ही अपने खिलाफ सी। आम आदमी पार्टी है गुरद्वारा सीजगंज साहब प्याऊ साहब का हटाता इन्होंने कोई बोलिया इतने आके कहते अपने सानू वोट दो। बीजेपी दे लीडरशिप ने बाबरी मस्जिद ते हमला करके टाया टाया कि नहीं, हिंदुस्तान च जिन्ने इलेक्शन हुए है एक मुसलमान ने भाई ने बीजेपी नूं नहीं वोट पाई ते ना कोई उहदे शामिल होया। किसे हालत श्रोमणी अकाली दल नहीं पिछे हटेगी, असीं तां दोषियों नूं जिहड़े पंथ दे दुश्मनां नूं दे खिलाफ लड़ाई अजे तक लड़ते रहेंगे, खीले दम तक लड़ते रहेंगे। बेअदबी मामले विच होए पंथक इकट्ठ च बोलदिया सुखबीर बादल ने कहा कि सिख पंथ विच इन्हां बेअदबी मामलों नूं लैके भारी रोस है। उन्हें कहा कि कोई भी धर्म तो ही वधेगा जेकर उस कोल सियासी ताकत होवे। सुखबीर बादल ने बेअदबी मामले विच कांग्रेस ते निशाना साधदे हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पांच साल के कार्यकाल दौरान एक भी दोषी नूं नहीं फड़िया। होर की कहा सुखबीर बादल ने आओ सुनते हैं। गुरु साहब ने आपां नूं मीरी पीरी दा सिद्धांत दस्या, मतलब कि कोई भी धर्म तां वधेगा जे उहदे कोल सियासी ताकत होए। 100 साल पहले हालात की सी पूरे देश विच, अपने गुरु घरां दे विच महंतां दा कब्जा सी, एजे कम एजियां बेअदबियां करदे सी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकदा। अपने बजुर्गां ने जथेदारां ने लीडरशिप ने उदों इकट्ठे हो के गुरु घरां दी संभाल सेवा संभाल लई कमेटी राहीं जिस दा गठन किया गया श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, उहदे इमीजिएटली बाद उन्होंने श्रोमणी अकाली दल बनाया। सो अक श्रोमणी अकाली दल 100 साल पुराना अपने बजुर्गों ने बनाया, क्यों बनाया? श्रोमणी अकाली दल अपनी कौम की फौज है, श्रोमणी अकाली दल कौम की फौज है, जिथे कोई संकट आता है संघर्ष करना पैंदा है श्रोमणी अकाली दल अगे उग करता है। 5 साल बाद इलेक्शन होंदा है, इलेक्शन कोई असी नहीं कराते, अकाली दल नहीं कराता, इलेक्शन सरकार दे कानून थले हुंदा है, सरकार कनाउंदी है, सारी सिख संगत उहदे ते वोटां पाउंदी है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का जदों जदों तक जदों भी इलेक्शन होया 100 साल लगातार श्रोमणी अकाली दल नूं ही सिख संगत ने मानता दित्ती ते जिम्मेवारी दित्ती। कई ताकतां जिहड़ियां घुसपेट करना चाहुंदियां, कमंथ नूं कमजोर करना चाहुंदियां, उन्होंने इन्हां इलेक्शनां च हिस्सा लिता क्योंकि उन्होंने पता सी, एजेंसियां नूं पता सी, बड़ियां ताकतां चाहुंदियां कि इह कौम नूं ताकत ही सिख पंथ नूं कौम इह गुरु घर तों मिलदी है ताकत, ते इस करके उन्हां दी ताकत की इह ताकत कमजोर तां होगी जे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दा किवें ना किवें कंट्रोल किया जाए, पर हर बार उन्हां ताकतां नूं नकार दिता जांदा है जिहड़े अज अपने आप नूं पहरावा पंथक दिखाउंदे है, पर सोच एंटी पंथक है। मैनूं बड़ा दुख है, साडी सारी कौम नूं बड़ा दुख सी कि पंथ दी सरकार दे दौरान एक बेअदबी हुई। असीं गुरु घर तों दरबार साहब जाके माफ़ी मंगी, अकाल तख्त साहब तों माफ़ी मंगी, पाठ का पश्चाताप पाठ कराया बादल साहब ने आप, क्योंकि बेअदबी साढ़े राज हुई सी, पर जिहड़े पंथ दोषियों ने जान के पंथ नूं कमजोर करन वास्ते पंथ दा नाम कि पंथ ने कराई है
श्रोमणी अकाली दल ने कराई है, वह लोग धरने ते बैठे, उन्होंने नीयत की सी? सियासत सी, गुरु के दोषियों नू फड़ना नहीं सी, उन्हां दा निशाना सी कि सियासत करके पंथ की जथेबंदी नू कमजोर किया जाए। पांच साल हो गए, पहले महीने तो लैके अखीरले महीने तक इक्को ही है कि असी अकाली दल नू बेनकाब करांगे, अकाली दल नू ऐ नहीं कहिंदे कि दोषियों नू फड़ांगे, कल्ला अकाली दल अकाली दल अकाली दल। कमीशन इन्होंने बिठाते जज थलों, कुछ कंवर विजय प्रताप वर्गियां, जिहड़ा सब तो वड्डा बंद दोषी है उन्हूं उहदी सिट बनाती, सारा जोर लाता। परमात्मा दे घर जो गलत करता उन्हूं भुगतना ही पैंदा है। तो होया कि हाई कोर्ट ने चिड़ा के मारिया कंवर विजय प्रताप नूं कि तुसीं कल्ली सियासत कीती है। रणजीत सिंह कमीशन भी कुछ नहीं, एक लफ्ज़ नहीं लिख सकिया, उहदी हिम्मत नहीं पई। अज तक कल्ली सियासत ते परमात्मा दे चरणां सारे पंथ ने इकट्ठे होकर अरदास कीती सी, मैं भी कीती, सारे पंथ ने, कि जेड़े लोग बेअदबियां दे मामले च सियासत करनगे उन्हां दा कख ना रहे। ते परमात्मा, मैं इन्ना दस दिना, उन्हां सारयां दा कख नहीं रहना। हुण कांग्रेस पार्टी गल करदी है बेअदबियां दी, कांग्रेस गांधी, हुण तुसीं आ देख लो, 13 सितंबर नूं आनंदपुर साहब बेअदबी हुंदी है, पिछले साल पुलिस नूं दोषी फड़ाए जांदे है, दोषियों तो कोई पुछताछ नहीं की जाती, सीधा जेल भेज दिते जांदे है। अज किन्ने महीने हो गए, कोई नहीं दस्सिया इन्हां ने की होया। 15 दिसंबर नूं दरबार साहब दे अंदर गुटका साहब नूं सरोवर फाड़ के सिटिया जांदा है, एस जी पी सी उन मुलजम फड़दी है, तो एस जी पी सी पुलिस नूं टैलीफोन करदी है, कमिश्नर नूं, प्रधान साहब बैठे है मैनूं दस रहे सी, पुलिस लैन नहीं आउंदी उह दोषी नूं, टैलीफोन कर करके थक गया, लैन नहीं आई। फिर एस जी पी सी दे मुलाजमां ने फड़ के उहनूं आप थाने छड्डन गए, उन्हों छाड़न थाने भेजे, उन्हों छड़ के आए, अगले दिन ही उन्हों जेल च भेजता, पुछे ही नहीं। मतलब की है? उदे बाद दरबार साहब के अंदर ऐसी हरकत होंदी है, कोई बर्दा कोई कौम का बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जदों उहदी बॉडी नूं दिता जांदा सरकार नूं, सरकार का मतलब है इन्वेस्टिगेशन करन, मतलब उहदा डीएनए टेस्ट करन, डीएनए लैके मैच करन, कित्थों आए आ कित्थों आए। अजकल आधार कार्ड के राही थोनू डीएनए राही तुसी हर बंदे का पता करा सकते हो, पर नहीं, उन्होंने किया 2 दिनों के अंदर संस्कार करता। तो बयान की आया कमिश्नर का, बयान किया कमिश्नर का कि असी इश्तहार कढ़िया सी, कितने इश्तहार पढ़िया? जे इश्तहार कढ़िया सी तो घट्टो घट 15 दिन का नोटिस तो दो कि 15 दिनों के अंदर अंदर सानू दसो कौन है। 4 दिनों के अंदर कहिंदे इश्तहार भी करता तो उहदा संस्कार भी करता कि सारे सबूत बंद। तो कहिंदे ते होम मिनिस्टर दे चन्नियां कि इत्थे बयान दिंदे आ कि 48 घंटे च असी दोषी लभ दवांगे, उहदे बाद बोले ही नहीं। तो कमेटी बनाई, SIT बनाई DSP दे थले, DSP दे थले। आ देखो इन्हां दी सोच की है, आ कांग्रेस की सोच की है, DSP दे थले कमेटी बनाई लभन नूं। खालसा जी, अज आपां सारे इकट्ठे होए हैं, फैसला थोड़े हाथ च है। देखो ऐसियां घटना हुई हैं, आपां बड़ा लाइटली ले रहे हैं, अखा मीच के बैठे हैं, जिवें कहिंदा कबूतर बैठा तो अखा मीच के तो बिल्ली आके, बिल्ली आ जांदी है देखदा नहीं, हुण खा जांदी है। हुण जिहड़ा की हो की रहा थोड़े ते वार हो रहे हैं, थोड़े ते हमले हो रहे हैं, तुसीं अखा मीच के बैठे हो। मैं थोनू इक्को एक एग्जाम्पल देना चाहना है। देखो BJP दे लीडरशिप ने बाबरी मस्जिद ते हमला करके ढाया कि नहीं? हिंदुस्तान च जिन्ने इलेक्शन हुए है
एक मुसलमान ने भाई ने बीजेपी नूं नहीं वोट पाई ते ना कोई उहदे शामिल होया। देखो किन्ने साल हो गए, एक ने अपने कांग्रेस ने दरबार साहब ते टैंकां तोपां नाल हमला कीता है, दरबार साहब ते टैंकां तोपां नाल हमला कीता, अपने हजारां भैण भरावां दा कतलेआम कीता, घट तो घट हजार गुरु घरां नूं अग्नि भेंट कीता, पूरे देश विच हजारां लखां भैण भरावां नूं घरों कढ़िया, परिवार ते परिवार उजड़ गए, ते आपां फिर भी वोट पाउणे आ उस पार्टी नूं, फिर मैं की कह सकदा। आपणे मन सोचो कि बार बार तुसीं कांग्रेस नूं वोट पाई जाने हो जिन्हें सारा कुछ कीता है, ते फिर तुसीं कहिंदे हो कि इंसाफ मिले, कौन दूगा तुहानूं इंसाफ, उहनूं पता ते अज तक हुण तुहाडे सामणे है। मैं हैरान है, बीजेपी की सेंटर सरकार ने काले कानून लियांदे, 800 शहीद हो गए, पूरा पंजाब उत्थे वाया, ते काले कानून वापस हो गए, ते हुण धड़ाधड़ अपने कौम के बंदे बीजेपी जिंदाबाद करके शामिल हो रहे हैं, उन्हां दा की करना चाहिए। देखो मैं किसान जथेबंदियों नूं बलबीर राजेवाल नूं पुछना चाहुंदा है, श्रोमणी अकाली दल ने सरकार तो पासे हो गए, नाता तोड़ता, 40 साल मिनिस्ट्री होए पर साडा घेरा पाउंदे रहे, पर हुण बीजेपी दे जुड़ी जांदे है। कितें बयान आया, एक तीन ताकत लगियां, तीन ताकत सेंटर दियां, सेंटर सरकार बीजेपी, कांग्रेस की जिन्हें टैंकों तो दरबार साहब टोड़िया, आम आदमी पार्टी जिन्हें गुरुद्वारा शीश साम साहब प्यो साहब ढाया, थोड़ी कली पंथ की जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल कमजोर करते, हुण हथ थोड़े है, जे कमजोर करना है पंजाब की आवाज, कौम की आवाज नूं कमजोर करना है, थोड़े हाथ है, फिर बाद च ना कहो, क्योंकि दोषी कौम होनी है जे तुसी गलत फैसला लिता, क्योंकि थोड़े कोले ताकत है, वोट की ताकत, जे आपां कट्ठे ही नहीं होना, तो फिर आपां की दूजियां नूं की आपां कह सकते हैं। जिन्हें अपने विरसा किसी कौम का विरसा संभालिया कि ने, श्रोमणी अकाली दल सरकार ने, कितने कांग्रेस ने एक चीज़ बनाई अपनी विरसे की, विरासत खालसा तो लैके वड्डे घल्लूघर की यादगार, छोटे घल्लूघर की यादगार, तुसीं देख लो किन्ना कुछ। दूजी वड्डी गल होर दसना चाहुंदा है, जिथे जिथे गुरु साहब के चरण छो पे है, जिहड़े जिहड़े शहर पे है, बादल साहब ने उस शहरां नूं खूबसूरत बनाता, करोड़ां रुपये ला के, सारे गुरु साहब ने आपां सिखाया है कि सारे धर्मां दा सत्कार करना है, सैकुलरिज्म है, सरबत दे भले दी सोच है। साहब प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने, सारे धर्मां दे पवित्र स्थान उन्होंने आप बनाए, खजाने तो बनाए, घट्टो घट 1000 करोड़ लाया होना सारे धर्म स्थान नूं बनाउण, खूबसूरत बनाउण नूं। जे तुसीं नहीं पछाणोगे कि अपने कौन है ते पराए कौन है, फिर नुकसान कौम का भी होगा तो अपने सारे का होगा। हुण अज आपां बेअदबियां क्यों हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने पता है कि कौम तो खेरू है। आ जिहड़े उदों मंड साहब से जिहड़े बनाए गए थे जथेदार काल तक, तो अपने जथेदार बनाए गए मंड साहब, इत्थे बेअदबी हुई कोई बोले हो? दादूवाल साहब की मैं कल फोटो देखी, बीजेपी नाल हुण समझौता करके उत्थे इलैक्शन लड़ रहे हैं, वो नाल सी ढींसा साहब के नाल कल, तो उत्थे कांजला भी गया। हुण जिहड़े वो लोग जिहड़े उदों कहिंदे सी बड़े असी सिक्खी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मंड साहब तो दादूवाल, हुण किधर है, कितने बोले है नहीं, उन्होंने निशाना ही उदों ही सी कि उदों अकाली दल की पंथ की सरकार सी कि उदों बदनाम करना, क्योंकि उन्होंने निशाना ही अपने खिलाफ सी। हुण इन्ने साल 5 साल जे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं बोले, ना बोलना उन्होंने, ना हुण बेअदबी हुई, ना उन्होंने आवाज नहीं उठाई, तो अपने आप नूं वड्डे दिखाते हैं कि असी पंथ दे हैं। किसे हालत श्रोमणी अकाली दल नहीं पिछे हटेगी, असी तो दोषियों जिहड़े पंथ
दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई अजे तक लड़ते रहेंगे, खीले दम तक लड़ते रहेंगे। इन्ना ही कह के मैं अखीर चाई कहना चाहना, कट्ठे हो जो, अज लोड़ है थोड़ी अपनी शक्ति दिखाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।